नागौर के वीर तेजा कॉलोनी मानासर निवासी मेहराम धूलिया निवासी वीर तेजा कॉलोनी मानासर नागौर ने 1 जून 2021 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह और उसका पुत्र 31 मई 2021 को रात में करीब 10:30 बजे अपने घर के अंदर और मेरा पुत्र राजेंद्र रसोई के सामने सो रहा था। उसी दौरान थार जीप में सवार होकर आए खरनाल निवासी हरिराम और महिपाल व अन्य 3-4 जने एकराय होकर आए, जिनके पास लाठियां सरिये और कुल्हाड़ी फरसी थे, जिसे लेकर वे हमारे घर में घुसे और मेरे पुत्र पर और मुझ पर सोए हुए देखकर खाट पर और घसीट कर घर के बाहर ले आए। चिल्लाने पर घर के अन्य लोग दौड़कर आए और बीच बचाव करने लगे। इस दौरान मेरे सिर, कमर, हाथ, कंधे पर गहरी चोटें आई। वहीं मेरे पुत्र राजेंद्र के कान पर धारदार हथियार से हमला करने से कान कट गया। वहीं मेरे पुत्र शुभकरण के भी हाथ पर चोट लगी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी श्रवण को गिरफ्तार किया है।